गुड मॉर्निंग ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟੁਡੇਜ਼ ਵਲੌਗ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਕੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਨਿਪਟਾਏ ਨਹਾ ਵਹਾ ਕੇ ਆਏ ਥੋੜੀ ਸੀ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ क्या कर सकते हैं अब इनको रोक तो नहीं सकते है ना। अज किते जाना है थोड़ा बाहर का काम है ते सब उस तो पहले मैं सोचा कि चलो कॉपी पेन लैके थोड़ा जा एक दो चीजा कर लेते हैं क्योंकि इस तरह ना लगे दिन पूरा वेस्ट हो गया कुछ पढ़ाई नहीं हुई। बैठते हैं थोड़ी देर धूप तक। मम्मा पापा ने भी किते जाना है असी भी जाना असी अलग जाना है उन्होंने अलग जाना है ते बस फिर थोड़ी देर बाद रेडी होवांगे तो उस बाद चलांगे। अर्शी दीदी उठो ना रेडी होए उठो चलना नहीं है परेशान हो गई है काम चल रहा था अभी उठेंगे रेडी होते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस तो हम हो चुके हैं दोनों रेडी एंड हम बेसिकली जा किस लिए रहे हैं एक दो क्वेरीज हैं उसके लिए हमें मतलब बहु प्लाजा जाना पड़ेगा लाइक छोटा मोटा जो है सामान है ना अर्शी चीजें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए उसमें पूछताछ करनी थी कि क्या रहता है क्या नहीं इसलिए तो पहले हमने सोचा कि वो भी निपटाते हैं क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पेज से ही कॉन्टेक्ट किया था तो भैया बोल रहे थे कि आप आके मिल लो तो मैं आपको पूरा बता दूंगा ए टू जेड जो भी है तो देखते हैं बात बनती है कि नहीं बनती है वो बात की बात है। तो अभी हम लेट भी हो चुके हैं एंड उसके बाद हमें गांधीनगर भी जाना है ना छोटा मोटा कुछ सामान छोटा मोटा सामान भी लेना है तो निकलते हैं। चलो फिर गाइस पहन लिया अपना हेलमेट फुल सेफ्टी अर्शी को भी यार पहनाना पूरा पूरे टाइम हेलमेट नहीं पापा को भी साथ में लेके जा सकते थे पर वो कहीं गए हुए तो हमने सोचा कि चलो मैं और अर्शी काम निकलवा आते हैं हाँ अभी हम फाइनल नहीं करके आ रहे सिर्फ पूछताछ करने जा रहे हैं इस करके भी नहीं है इधर क्योंकि वो अभी अभी निकले हैं जस्ट उनको भेज के हमने बोला कि चलो अब हम चलते हैं। तो गाइस पहले हम जो मेन काम है वो निकालेंगे बहु प्लाजा जो ऑफिस है उसकी तरफ ही चलते हैं पहले फिर गांधीनगर वाली साइड जो है वो जाएंगे। तो गाइस पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट अब देखते हैं स्कूटी खड़ी करके फिर देखते हैं आप। पार्किंग की जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लगाई है स्कूटी अब जा रहे हैं भैया के ऑफिस में ढूंढ रहे हैं अभी साउथ ब्लॉक बरिस्ता के पास ही बोला था उन्होंने देखिए यही होगा कहीं पे भी आती रॉयल रेड पूरा फेरी लाइट्स के साथ। तो गाइस अभी हम निकल गए हमारी मीटिंग हो गई भैया से तो अब घर जाके देखेंगे क्या करना आगे डिस्कशन आगे डिसीजन क्या है। अभी हमें लग रही है बहुत ज्यादा भूख तो हम सोच रहे हैं ईडन है ना क्योंकि उनकी क्वालिटी एंड जूसेस काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं और ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके तो हमने सोचा उसी साइड चलते हैं स्कूटी पे ही निकलते हैं क्योंकि दूर है यहाँ से। तो मैंने और अर्शी ने प्लान चेंज कर लिया हमने कहा काम वो पुठी डायरेक्शन से स्कूटी उल्टी डायरेक्शन पहुंच जाएगी हम कैफबेरी जा रहे हैं और क्योंकि कैफबेरी गई भी नहीं है। गाइस हम आ गए कैफबेरी अर्शी आई भी नहीं थी ईडन काफी बारी घूम भी लिया था जैसे क्या चलो इतने ही आज खाने पीने क्योंकि इन्हों के भी जूसिस तो अच्छा रहता है क्वालिटी वगैरह। टुडे इज वैलेंटाइन कैफबेरी अपनी वैलेंटाइन के साथ आज मैं और अर्शी वैलेंटाइन डे बनाने आए हैं बैठ गए यहाँ पे एंड ऑर्डर भी प्लेस कर लिया तो अभी बस भूख लगी हुई है यम्मी यम्मी इनका टम्मी मांग रहा है टम्मी तो अभी ऑर्डर कर लिए देखते हैं कब तक आता है और आज वैलेंटाइंस डे है तो गाइस एक्स्ट्रा यहाँ पे रौनक लगी हुई है आप समझ सकते हो। अर्शी दीदी हेलो ये था मेरे और अर्शी का वैलेंटाइंस का प्लान ठीक है हमारा आ गया है स्टफ और अर्शी दीदी को वेट नहीं हो रहा ठीक है ना अर्शी ठीक है चलो फिर करते हैं अस लंच अर्शी दीदी करो स्टार्ट और बताओ टेस्ट करके कैसा है खा ऊपर पानी है कुछ पहले इस तरह ला लें विद सॉसेस पे दी ऑलरेडी कैसा है मैंने मंगाया था पीच बेरी जूस और इसने ऐसे लेमोनेड टाइप मंगाया हुआ है। चलो गाइस अब रहा नहीं जा रहा किस किस को मन कर रहा है कैसे हैं टेस्टी है प्राइस इतने ज़्यादा टेस्टी है ना क्या ही बताऊँ और ये भी ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा अभी इतना बच गया फ्राइड राइस और एक ये बचा हुआ है पेट हो गया एकदम फुल अर्शी एकदम फुल मैं क्या अर्शी खान नहीं होंगे पैक करा लिया चावल ये खा लेंगे आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी है ना अर्शी हमने बोला बिल वगैरह दे दो बिलिंग वगैरह करके फिर निकलेंगे यहाँ से टाइम कितना होया 3:29 हो गए यार पता ही नहीं चलिया ना अर्शी टाइम दा आए भी लेट ही सा वैसे मजा आया बहुत ज़्यादा तभी हम यहाँ से निकल रहे हैं तो मेरे और अर्शी का अच्छा वैलेंटाइन डे बन गया है ना अर्शी मजा आया नहीं तूने मुझे फूल नहीं दिया
चल इसको अब मैं गांधीनगर से फूल दिलवाऊंगी। तो अभी हम निकल रहे हैं गांधीनगर की तरफ, लेट्स गो। जब हम जा रहे हैं भोग प्लाजा से निकल चुके हैं और जा रहे हैं गांधीनगर की तरफ, यहाँ पे एक दो चीज तो मुझे लेनी है और मुझे एक चीज दिलवानी भी है, वो अभी बताएंगे जल्दी। अभी हम आए विक्रम शिव, ये बड़ा ऊंचा हो गया मेरे से, तो चलते हैं यहाँ। तो अभी हम बैलीज वगैरह देख रहे थे क्योंकि ट्रांसपेरेंट चाहिए होती है और ये काफी ज्यादा ख्वाहिश थी लेने की। ये भी अच्छी है ट्रांसपेरेंट में। इनके पास काफी ज्यादा अच्छी आई हुई है इस टाइम ना ट्रांसपेरेंट। इस साइड भी कलर में भी है, ट्रांसपेरेंट में भी है, देखते हैं अभी कुछ पसंद आता है तो। यहीं बैठे हुए थे आधा घंटा हो गया, 15-20 मिनट। अर्शी ने एक ले ली है सैंडल, तालियां बजाओ सारे, ठीक है। और ये मैं ट्राई करके देख रही थी कुछ ना कुछ, बट मुझे पसंद नहीं आया। अब एक चीज ट्राई करनी हो भैया साइज लेने के, इधर ऊपर आए क्या? पता नहीं कहाँ चले गए भैया। अभी हम निकल रहे हैं अप्सरा रोड से, जाना है लैस वाली दुकान पे। पार्किंग भी गड्डियां लगान दी ज्यादा जगह थी, चलन दी घट है क्योंकि ऑलरेडी जेडी पार्किंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस करके इतनी लगाई दी हुंदी है सबने। अर्शी देख रही, अर्शी देख रही है लेस, पसंद कर रही है धीरे धीरे करके। बड़ी आपको पता ही ऑलरेडी शॉर्ट दिया हुआ है तो आप यहाँ आ सकते हो। तो गाइज हम उधर से फ्री हो गए, लेस वाली शॉप पे आपको पता ही है एज यूजुअली बहुत रश होता है वहाँ पे, हर बार वहाँ पे आधे घंटे से ऊपर लगता ही लगता है। तो अभी हम भी चॉइस करते करते टाइम लग जाता है, तो उतो असि निकले हैं और जा रहे हैं फिलहाल घर की तरफ, तो मिलते हैं फिर। इस लास्ट जगह रह गई थी जाने वाली, ये हमने मिस कर दी थी नायका, क्योंकि दो तीन चीज़ें खत्म है, हमने सोचा ऑनलाइन मंगानी पड़ेंगी, यहीं से ले लेते हैं। चलो दीदी असं आ चुके हैं वापस, एंड यार गए भी लेट सी, बट जिन्ना जल्दी तो जल्दी फ्री होने की कोशिश की, बट टाइम थोड़ा बहुत लग ही जाता है। कम वास्ते गए सा वो हली डिस्कशन करनी है, फिर देखा बनता कि नहीं बनता। तो बाकी ये है कि होर भी समान लेना सी, फिर गांधीनगर भी गए, तो जो जो समान कुछ कुछ चीज़ा मिली, कुछ कुछ नहीं मिली, तो 4-5 दिन बाद फिर चक्कर लगाना पेगा क्योंकि बोल रहे सन हफ्ते तक आएगा। किंग जस्ट ऑसम हो सर, मुड़ बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ग्रेट ग्रेट डील बेटे, ग्रेट पिकअप, बहुत प्यारी लग रही है। सूट एज वेल एज हर एक चीज, जीन्स हो सूट हो जो मर्जी। तो हमने लिए इस पर नज़र मेरी जारा वाली पे भी थी, जारा में सेम हील्स हैं, बस उसका वो जो मोनोलॉग है वो गोल में है, 6000 की है वो, पर वो सेल में आउट ऑफ स्टॉक चली गई थी, तो मुझे उसकी सिमिलर ही क्वालिटी मिली, तो मैंने सोचा इसको भी क्यों हाथ से छोड़ेंगे, जब जारा वाले लेंगे तब लेंगे, पर फिलहाल जो मिल रही है उसको मैंने इस बारी बर्थडे पे इसको यही सोचा था कि जारा की दूंगी, बट वो आउट ऑफ स्टॉक चली गई थी तब, तो ये सू मिली असी लैन कुछ और गए सा, क्योंकि मैं मामू जी बड़ी देर तक पिछले साल तक बोल सी यार मैं एवली एक हील में लेनी है वो जारा वाली, जैसे बोलते हैं ना, जैसे सर्च मारोगे वो अभी तक बैक इन स्टॉक नहीं आई हुई है ज़ारा वाली, वो अभी तक नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं नर्सी, बोलते नहीं है प्रोडक्ट की ड्यूप्स, तो लगा लो पूरा ज़ारा वाले दा ड्यूप मिल गया। बट इस दिन मैंने ऐसे कि पाके भी देखी चलनते भी, जैसे गाइस तुसी ना मतलब कई चीज होती नई चीज ना लगती है पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, और मैं ऐसी हील्स मतलब कट ओ पांदी हां पर मेनू भी नहीं ज्यादा कंफर्टेबल लगी है, और क्वालिटीज दी बहुत अच्छी सी, इस करके मैं सोचे तब तक काम चलता रहे ले लेते हैं, क्योंकि इट गोज विद एवरी सूट जींस वगैरह ड्रेस सब नाल जाती है। ये एडेड न्यू हील कलेक्शन पे, ये लो दीदी, बहुत अच्छी डील की आपने आज। हम कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, मम्मा पापा गए दिन तो मैं दसिया सी साढ़े जान तो पहले गए सनों, तो हले थोड़े लेट ही आएंगे शायद 1-2 घंटे बाद आएंगे, तो फिर मिलेंगे, फिर हर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इवनिंग हो चुकी है, थोड़ी देर बस रेस्ट की थी, फिर उठे हैं। पागल है क्या इवनिंग में उठ के पागल हो गई है क्या, सदमा लग गया इस पानी किड़ा। तो मम्मा पापा भी आ गए थे, चाय शाय बना दी थी मम्मा ने, तो अभी चाय गर्म करके पी रहे हैं। चाय बना के रखी है, आ गए थे वापिस, कहाँ गए थे, चोरी खाएंगे हम साथ में चाय, और ये गरम ये रात के लिए है, इंतजाम बन रहा है क्योंकि खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है। बड़े दिनों के बाद हरी सब्जी का मन कर रहा था। क्या बात है, बस अभी थोड़ी देर में करेंगे डिनर,
क्योंकि टाइम भी हो चुका है 7:45। चाय शाह पीने तो बाद मैं अर्शी चली गई सी गुरुद्वारा साहब, थोड़ी देर बैठे पाठ सुनिया फिर वापिस आए, फिर अर्शी लगी अपने काम से, मैंने कपड़े नहीं चेंज किए, मैं चलो कपड़े चेंज तो पहले असं गुड नाइट कर लेते हैं क्योंकि हूँ टाइम भी 7:45 हो गया, 8 बजे डिनर करांगे, फिर लैपटॉप से जो थोड़ा मोटा काम है फिर वो करांगे। फिलहाल तो आज मेरा तो अर्शी का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, जो कि तुम देखो होएगा, खुद भी इंजॉय किया, आई होप तुम भी इंजॉय किया होएगा। गाइस इस तरह ही प्यार देते रहो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट। मैनू कोई करन देगा व्लॉग बैंड 50K होने वाले हैं सून, तो जल्दी से और एक्टिवनेस दिखाओ और 50K कर दो, ठीक है 50K पे कुछ होगा, फिर 50K पे सारे आ जाना बाहर डिब्बे और गिफ्ट लेके और 50K पे आपको एक काम भी देना है, वो आप सबको मिलके करना है, ठीक है। तो गाइस इस तरह ही प्यार देते रहो, आगे भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बाय बाय, टेक केयर।